नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट पे। कल इंग्लैंड वर्सेस स्पेन के बीच यूरो कप 2024 का फाइनल खेला गया, जिसमें स्पेन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को 2-1 से हरा कर चौथी बार यूरो कप का जो है खिताब अपने नाम किया। कल का मैच बहुत ही बड़ा मुकाबला था और बहुत ही शानदार खेला गया। इंग्लैंड और स्पेन के बीच पहले हाफ में जब वो मुकाबला गया तो उसमें एक भी गोल नहीं हुआ, जिसके बाद से जो है लगा कि ये मैच कहीं किस तरीके से जाएगा। पर जिस तरीके से सेकंड हाफ में स्पेन ने वापसी करी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी स्पेन ने डोमिनेट जरूर किया था, पर स्पेन ने सेकंड हाफ में 48वें मिनट में पहला गोल करके यहां पर जो इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया था। आपको बता दें, स्पेन के लिए निको ने 47वें मिनट में, जबकि मिकेल ने 86वें मिनट में गोल दागे और 2-1 से खिताब अपने नाम किया। आप सभी को बता दें कि ये स्पेन के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले 2012 में ये मुकाबले जीते थे, 2024 यानी कि 12 साल बाद ये जीते। वहीं पर इंग्लैंड के लिए ये बहुत बड़ी हार है, दिल तोड़ने वाली हार है, क्योंकि आप देखें कि 2020 में भी इंग्लैंड ने फाइनल खेला था पर वहां पर इटली ने जीता था। इस बार भी उन्होंने अच्छा किया, 88वें मिनट में ये इन्होंने गोल मारने की कोशिश करी थी इंग्लैंड ने, पर स्पेन ने जिस तरीके से उसको डिफेंड किया था उसके बाद से वहां पर वापसी कर पाना असंभव हो गया था। पर ओवरऑल जो है इंग्लैंड ने अच्छा खेल दिखाया, पर जो है स्पेन वॉज अ बेटर टीम, एंड कहते ना कि खेल की जीत हुई है, स्पोर्ट्स की जीत हुई है। स्पेन की जीत पर चारों तरफ जश्न का माहौल है, क्योंकि स्पेन ने बेहतर खेल दिखा और पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा कि बड़ी बड़ी टीमों को ये हरा कर आए थे और ये फेवरेट टीम थी और फेवरेट टीम की तरह इन्होंने खेला और वहां पर जीत कर इतिहास रच दिया। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।